Hey everyone, as I promised, I'm back with another video of my stock market course from beginner to advanced. Title आपने पढ़ लिया होगा, इस वीडियो का टाइटल है रोड मैप टू स्टॉक मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट जब हम सीखते हैं तो उसका रोड मैप क्या होना चाहिए। हर चीज में रोड मैप बहुत जरूरी है, आपकी जिंदगी में कोई भी एम हो रोड मैप बहुत जरूरी है कि आखिर रास्ता क्या है। रास्ता पता होगा तभी मंजिल मिलेगी, ठीक है। तो रोड मैप मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रोड मैप क्या होता है, किस पैटर्न में हमें स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना है कि हमें उसका एक एक एस्पेक्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो कोई आपसे कुछ भी पूछे तो, ठीक है। तो रोड मैप पे बात होगी और कैसे हमें स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना है और मैं किस वे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं नई वीडियोस आपके लिए लाऊं, और बहुत अच्छा लगता है एक बंदा भी करता है तो, ठीक है। तो लाइक करो वीडियो को अभी और चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के, बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने पढ़ाया ना, मैंने बहुत स्मूथ तरीके से पढ़ाया ताकि मुझे अच्छे से समझ में आए, तो उसी तरीके से मैं तुम्हें भी पढ़ाऊं। तो इसलिए मैं चीजें बहुत शुरुआत से स्टार्ट कर रहा हूं, जैसे कि रोड मैप टू स्टॉक मार्केट, जो कि तुम्हें कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कि क्या रोड मैप है। बीच बीच की चीजें पढ़ के हमेशा नुकसान होता है, ठीक है। और इस वीडियो को लेके या आने वाली कोई भी वीडियो को लेके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी डाउट्स होंगे, तो या तो कमेंट कर देना, ठीक है, या तो मैं कमेंट्स में जवाब दे दूंगा, या तो फिर मैं जो अगली वीडियो आएगी उसके लास्ट में हमेशा मैं क्वेश्चंस के आंसर दिया करूंगा आपको कि पिछली बार ये वाले क्वेश्चंस आए थे पिछली वाली वीडियो से, तो अगली वीडियो में मैं उसके आंसर्स आपको दे दूंगा लाइव वीडियो के अंदर ही, ठीक है। तो क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएंगी सब कुछ, बस सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रोड मैप टू स्टॉक मार्केट, कि आखिर स्टॉक मार्केट का रोड मैप क्या होना चाहिए, हमें कैसे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहिए, तो उस बारे में बात करेंगे। देखो, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए एक पैटर्न है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इस साइड को अभी आप इग्नोर करें, आप इस साइड में ध्यान दें क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, यानी कि सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर मार्केट है क्या, क्या प्रोसेस है, कैसे मार्केट काम करता है, उसकी बैकएंड में जो फंक्शनिंग हो रही है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द मार्केट, सबसे पहले ये समझना चाहिए। दूसरा, स्टॉक मार्केट बेसिक्स, तब हमें स्टॉक मार्केट के बेसिक्स में घुसना चाहिए, फंडामेंटल्स, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ये सब जानना चाहिए कि आखिर ये चीजें होती क्या है। उसके बाद इन्वेस्टिंग, उसके बाद हमें इन्वेस्टिंग की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए कि थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें और पैसा ग्रो करें, रिटर्न्स देखें, अपनी एक्यूरेसी को हम नापें कि कितनी एक्यूरेसी हो रही है। उसके बाद टेक्निकल्स में फोकस करें, टेक्निकल एनालिसिस जो कि ट्रेडिंग के काम आता है, तो जब आप टेक्निकल सीख जाएंगे उसके बाद आप ट्रेडिंग पे जंप करें टेक्निकल सीखने के बाद, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर है कि आपको इस वे में स्टॉक मार्केट सीखना चाहिए ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। सबसे पहले आप सीखेंगे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिर स्टॉक मार्केट बेसिक्स, फिर इन्वेस्टिंग, फिर टेक्निकल, फिर ट्रेडिंग। पर एक्चुअली में होता क्या है, लोग इसका करते हैं उल्टा, ऐसे सबसे पहले लोग करते हैं ट्रेडिंग। कहीं यूट्यूब पे वीडियो देख ली, कोई 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, सबसे पहले सबको ट्रेडिंग करनी है, अकाउंट खोल देंगे, ट्रेडिंग स्टार्ट, ठीक है। जब ट्रेडिंग करी आता कुछ है नहीं, होना नुकसान ही है, उसके बाद बोलेंगे क्या करें क्या करें, मुझे टेक्निकल्स नहीं आते, तब सीखेंगे टेक्निकल्स, ठीक है। टेक्निकल्स केवल 20% हिस्सा स्टॉक मार्केट का, ठीक है। टेक्निकल्स हो जाएंगे 1 से 2 महीने में कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ, आप ट्रेडिंग भी सीख ली, टेक्निकल्स भी सीख लिए। फिर जब टेक्निकल्स भी काम नहीं आते, टेक्निकल्स सीखने के बावजूद आप लॉस करते हो, सब कुछ सीख लिया, प्राइस सेक्शन, कैंडल स्टिक्स, फिर भी लॉस हो गया। जब कुछ समझ नहीं आता फिर पता चलता है यार ट्रेडिंग पर जो है एक जुआ है, सबने जुआ बोल दिया यार, मेरी किस्मत में ही नहीं है, फिर आप जाते हो इन्वेस्टिंग में, ठीक है। इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, उसमें जाते हो, क्योंकि यहाँ आपकी बात नहीं बन रही टेक्निकल से ट्रेडिंग में, आप सोचते हो चलो स्विंग करते हैं ताकि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़े और थोड़ा प्रॉफिट हो स्विंग ट्रेडिंग से। फिर जब इन्वेस्टिंग से भी आपकी बात नहीं बनी, तब आपको समझ में आता है कि यार मेरे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, मैंने बेसिक्स ही नहीं पढ़ा, मैंने बस वही बीच बीच के 2-3 टॉपिक देख लिए स्टॉक मार्केट के, घुस गया मैं ट्रेडिंग में। फिर आप जाते हो वहीं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीखने के लिए, या ऑनलाइन कोई कोर्स लेते हो बेसिक्स सीख लिया। अब ऐसे में क्या होता है, यहां से भी हार मानी, यहां से भी हार मानी, यहां से भी हार मानी, और जब ये किया तो अब आपको लगता है मुझे सब कुछ आ गया। पर स्टॉक मार्केट की ना खासियत यही कि जब जब हमें लगता है कि हमें सब आ गया, एक बहुत बड़ा पहाड़ और वेट कर रहा होता है हमारा, कहता है कि भाई अभी मैं हूं टेंशन मत ले, वो होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो एक्चुअली में ट्रेडिंग आपको ऐसे सीखनी चाहिए, पहले आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सीखें, फिर स्टॉक मार्केट के बेसिक सीखें, फिर इन्वेस्टिंग सीखें, फिर टेक्निकल, फिर ट्रेडिंग करें लास्ट में। ये सबसे लास्ट में आता है ट्रेडिंग, जो ऑप्शंस हो गए, बाइनरी ट्रेडिंग हो गई, जो भी है, ये सबसे लास्ट में आता है। पर नहीं, सब उल्टा करते हैं, मैंने भी किया था जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ये कोई नई बात नहीं है, हर बंदा करता है और गलतियों से ही सीखता है।
तो लोग करते हैं पहले ट्रेडिंग, फिर जब वो हुई ही नहीं सोचेंगे टेक्निकल्स नहीं आते, फिर टेक्निकल्स जब उसमें भी बात नहीं होगी तो लगता है यार पैसा इन्वेस्टिंग में ही है, विजय केडिया को देख लो इन्वेस्टिंग से कमा रहे हैं, फिर इन्वेस्टिंग करी और इन्वेस्टिंग से भी बात नहीं बनी, फिर पता चला बेसिक सी लिया कोर्स लिए फिर भी लॉस हुआ, फिर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट सीख लिया। तो जब तक हम हर चीज सीख गए मतलब यहां से लेके यहां तक, तब तक हमारा अमाउंट ही खत्म हो गया, अकाउंट ही खत्म हो जाता है ब्रोकर में जो भी है हमारा, पैसा हम उड़ा चुके होते हैं। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा अप्रोच गलत है। अगर आप नीचे से ऊपर जाते हो तो अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर आप नीचे से ऊपर की अप्रोच लेते हो इसमें प्रॉब्लम यह है। देखो मैं दोनों के तुम्हें फायदे नुकसान बताता हूं। अगर तुम नीचे से ऊपर की अप्रोच लेते हो तो ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट होगा सीखने का, ठीक है, इस प्रोसेस में आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, मतलब अप टू डाउन के कंपैरिजन में आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ आप इस वे में सीखते हो तो आप थोड़ा जल्दी सीख जाओगे। दूसरा आपका जो है लॉस ज्यादा होगा क्योंकि आप जल्दी ट्रेडिंग सीख रहे हो और गलत और नीचे से ऊपर के मैनर में सीख रहे हो, तो फायदा यह है कि आप फास्ट सीख जाओगे, पर नुकसान यह है कि लॉस ज्यादा हो जाएगा आपका, इसमें लॉस से ही आदमी सीखेगा, उल्टी अप्रोच फॉलो कर रहे हो, पर सीख जाओगे, ऐसा है जल्दी सीख जाओगे। अब अप टू डाउन अप्रोच में क्या फायदा है, ठीक है, इसका फायदा यह है कि आपका जो लॉस है वो कम होगा क्योंकि आपने सही अप्रोच फॉलो करी है, आपने पहले बेसिक्स पढ़े फिर इन्वेस्टिंग करी, इन्वेस्टिंग से कमाया फिर टेक्निकल्स करे फिर ट्रेडिंग करी, लॉस कम होगा, पर लेकिन ये जो है आपका टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। तो ये इन दोनों के डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, दोनों वे में सीख सकते हो, भाई मैंने ये वाली अप्रोच फॉलो करी थी इसलिए मैंने बहुत नुकसान किया बट मैं जल्दी सीख गया, ये वाली अप्रोच फॉलो करता जो कि कई मेरे फ्रेंड्स ने करी उनको लेट समझ में आया पर उनका लॉस कम हुआ, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी आप कैसे आदमी हो जल्दी सीखना या लेट, ओके। तो ये था हमारा रोड मैप टू स्टॉक मार्केट, हमें किस वे में सीखना है और मैं तुम्हें इस वे में सिखाऊंगा, ठीक है, अप टू डाउन, क्योंकि मैं डाउन तो अप करूंगा तुमने नुकसान करना है, तब तुम बोलोगे कि यार ये जुआ है, तो मैं नहीं चाहता तुम नुकसान करो, इसलिए मैं तुम्हें अप टू डाउन में सिखाऊंगा इस मैनर में ताकि तुम नुकसान कम करो, ठीक है, नुकसान थोड़ा बहुत सब करेंगे पर ये कि तुम कम करो, बिना नुकसान के यहाँ सीखा नहीं जाता है भाई, तो तैयार रहना थोड़ा बहुत नुकसान होगा बट इस वे में कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रोड मैप हमने कंप्लीट कर लिया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैं कोर्स बना रहा हूँ उसका ओवरव्यू देते हैं कि हम किस मतलब सिलेबस क्या है इसका, हम किस सिलेबस वाइज हम इसको पढ़ेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं सिलेबस की ओर, तो सबसे पहले मैं तुम्हें बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है, बेसिक्स में क्या है ये थोड़ा बहुत ऊपर का एरिया कवर हो जाएगा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और ये वाला एरिया स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, ठीक है, ताकि मार्केट में क्या फंक्शनिंग है और मार्केट स्टॉक मार्केट है क्या एक्चुअली, कईयों को तो ये भी नहीं पता होगा स्टॉक मार्केट है क्या, बस पता है कि शेयर खरीदने बेचने, पहले समझ तो लो यार कि शेयर्स क्या होते हैं स्टॉक मार्केट है क्या, ठीक है। तो बेसिक्स में ये दो हिस्से आपके जो है कवर हो जाएंगे बेसिक्स में, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज डाओ थ्योरीज वगैरह की, आखिर पहले लोग समझते थे कि स्टॉक मार्केट रैंडमली मूव करता है मतलब इसका कोई पैटर्न ही नहीं है, पर लेकिन डाओ आए थे उन्होंने थ्योरी दी थी अपनी, उसे हम डाओ थ्योरी कहते हैं, वो पहले इंसान थे जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की खोज करी थी कि भाई मार्केट कोई पैटर्न फॉलो करता है और बार बार फॉलो करता है, तभी मार्केट में एक कहावत बहुत चलती है कि पास्ट रिपीट्स इटसेल्फ या फिर टाइम रिपीट्स इटसेल्फ, कि टाइम दोबारा रिपीट करता है, कोई स्टॉक अगर बहुत ज्यादा नीचे गया है तो फिर ऊपर गया है तो दोबारा नीचे आने की टेंडेंसी है उसकी, क्योंकि पास्ट में गिरा है तो फ्यूचर में भी गिरना है, पर ये नहीं है कि बहुत ज्यादा गिरेगा, इसलिए मार्केट देखा होगा हमेशा ऐसे ऊपर नीचे चलता है, क्योंकि ये जो डिप है ना ये पास्ट है, ये एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं पर ये कि एक लाइन में फॉलो कर रहे हैं, इस लाइन से नीचे नहीं गिर रहे। तो डाउ ने यही चीज देखी कि मार्केट कोई पैटर्न फॉलो करता है और अपना पास्ट रिपीट करता है, ठीक है। उसके बाद हम टेक्निकल्स में आएंगे, ठीक है, टेक्निकल्स में क्या है आपके फंडामेंटल्स भी कवर हो जाएंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी कवर हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे प्राइस एक्शन वगैरह जो भी होता है। उसके बाद कैंडलस्टिक्स पे जाएंगे, कैंडलस्टिक्स पढ़ेंगे जो कि काफी जरूरी है, फिर पैटर्न्स पे जाएंगे चार्ट पैटर्न्स पे, फिर कुछ इंडिकेटर्स जो कि जरूरी है, वैसे तो मैंने आज तक इंडिकेटर यूज नहीं करे, शुरुआत में करे थे बहुत पर लेकिन अब मैं यूज नहीं करता, बट शुरुआत में आपको हेल्प होगी इनसे जो मैं बताऊंगा इंडिकेटर्स। फिर हम गुजरेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजीज पे जाएंगे जिसका आप लोगों को बहुत वेट रहता है, जो आप यूट्यूब पे बहुत ज्यादा सर्च मारते हो कि स्ट्रेटेजी फॉर मेकिंग 1,000 रुपीज पर डे 500 रुपीज पर डे स्ट्रेटेजीज बताएंगे आपको, ठीक है। पर फायदा यह है कि जब मैं तुम्हें स्ट्रेटेजीज बताऊंगा तो तुम्हें ऑलमोस्ट ये सब तुम्हें पता चल जाएगा, तो इसलिए जब मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बेसिस पे सिखा रहा हूं तुम्हें, और यही मैं चाहता हूं, जब तुम्हें पूरा सब कुछ बैक एंड में पता चल रहा होगा ना कि स्ट्रेटेजी मैंने आपकी ढूंढी कैसे कैसे काम कर रही है, तो दिमाग अच्छा चलता है, इसलिए इस वे में हम पढ़ाई करेंगे। तो
तो उसके बाद तुम स्ट्रेटेजी सीखोगे FNO की भी, इक्विटी की भी, उसके बाद मैं तुम्हें कराऊंगा लाइव ट्रेडिंग अपने साथ, ठीक है। ये मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ जो हम इसमें ट्रेडिंग करेंगे, बाकी जो 5000 टू 50000 है वो तो मैं पहले ही स्टार्ट कर दूंगा अभी कुछ टाइम में, पर मैं लाइव की बात कर रहा हूँ जो हम प्रॉपर टर्मिनल पे करेंगे, ठीक है। जीरो दाप स्टॉक्स एंगल ब्रोकिंग जिससे भी लाइव ट्रेडिंग ऐसे होगी। तो यह था आपका रोड मैप स्टॉक मार्केट याद करने का, स्टॉक मार्केट समझने का, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो, रोड मैप ये होना चाहिए, पहले साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, फिर स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, फिर इन्वेस्टिंग, फिर टेक्निकल, फिर ट्रेडिंग, ठीक है। कुछ लोग उल्टा करते हैं, पहले ट्रेडिंग करते हैं फिर हार के टेक्निकल सीखते हैं, फिर भी फायदा नहीं होता, फिर इन्वेस्टिंग करते हैं फिर भी फायदा नहीं होता, फिर बेसिक सीखते हैं, फिर साइकोलॉजी सीखते हैं, उसके बाद उन्हें जो है प्रॉफिटेबल होते हैं। बट लेकिन जो बॉटम टू अप अप्रोच है थोड़ी फास्ट है, बट लेकिन लॉस थोड़ा ज्यादा होता है इसमें, और जो अप टू डाउन जो अप्रोच है इसमें जो है लॉस आपका कम होता है बट टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है। तो दोनों अप्रोच आपकी है, मैंने जो है बॉटम को अप फॉलो करी थी इससे लॉस ज्यादा हुआ बट जल्दी सीख गया। बाकी ये हमारा सिलेबस था जो मैंने आपको बताया, यहाँ से ओवरव्यू है, पहले बेसिक सीखेंगे फिर थ्योरी बताऊंगा तुम्हें कुछ जो स्टॉक मार्केट की है, फिर टेक्निकल्स, फिर कैंडलस्टिक्स, फिर पैटर्न्स, फिर इंडिकेटर्स, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फिर स्ट्रेटजीज, फिर लास्ट में लाइव ट्रेडिंग, ओके। तो ये हमारा सिलेबस था जो कि हम करेंगे, यही मुझे तुम्हें ओवरव्यू देना था कि क्या रोड मैप होना चाहिए जो कि कोई नहीं बताएगा जिंदगी में तुम्हें, क्योंकि ये चीजें प्रीमियम कोर्सेस में मिलती है जो कि मैंने खरीदे थे 70,000 रुपए के, 50,000 रुपए के। तो मैं जानता हूँ कि किस वे में उन्होंने मुझे सिखाया, मैं उसी वे में तुम्हें सिखाना चाहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो तुम पैसा खर्च मत करना, मैंने कर दिया है कोई बात नहीं, और नोट्स भी तुम्हें प्रोवाइड हो जाएंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेट्स स्टार्ट द कोर्स। बाकी वीडियो पसंद आए तो यार सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करो जो भी है, इंस्टाग्राम ट्विटर में फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।